भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। दे बंद कर दे भाई, मेरे ही से बंद कर दे। सो पीपल आर टेलिंग मी दैट यू वेंट फॉर सम इंटरव्यू एंड द पर्सन अटैक्ड यू। व्हाई डिड ही डू दैट? Because I was a man and he was a fake feminist. ये इंटरव्यू मुझे लेने के लिए बोल रहे हैं। Do you want to give me any tips? नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा। बस कैमरामैन लड़का मत लेके जाना। रेडी? करें? रोलिंग एंड गो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जिन्होंने औरतों के सशक्तिकरण का जिम्मा अपने मर्दाना कंधों पर उठा लिया है। इन्होंने औरतों के लिए ऐसी ऐसी चीजें करी है दैट नो वन रियली आस्क्ड फॉर। सो लेट्स वेलकम मिस्टर पुष्पेंद्र। अरे पुसी। क्या? मिस्टर पुसी। मिस्टर Pussy, you gonna get diamond and pearls. Raise your hand and let's go, girls. 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 That was some entry, Mr. Pushpendra Sharma. Hey, it's Pussy. P-U-S-S-Y, Pussy. Yes, sir. My very first question to you is regarding that only. आपने अपना नाम क्यों बदला? Why did you change your name? क्योंकि मुझको बदलाव लाना था. You know what? हर मर्द डरता है कि कहीं कोई उसको पुसी ना कह दे, बट गेस व्हाट, आई थॉट आई विल चेंज इट, इसीलिए पुष्पेंद्र बना पुसी। मैं मर्द हूं ही नहीं, आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ पुसी, और इस बात का मुझको कोई डर नहीं है। चाहिए आपको? नहीं नहीं। श्योर? या थैंक यू। एक्सेप्ट? नो 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 थैंक यू। ओके या। सो पुसी जी, आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं। कंग्रेचुलेशन सर। तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत गुस्से में हूँ, आई एम वेरी एंग्री, और ये मेरा गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की, इस यूनिवर्स की सारी औरतें एम्पावर नहीं होती। लेट्स गो गर्ल्स। तो आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अब तक क्या स्टेप्स लिए हैं? आप अंधाधुन हो क्या? एक बार देखो अपनी चारों तरफ, एवरीथिंग इज पिंक बिकॉज गर्ल्स लव पिंक। सर ये तो आप स्टीरियोटाइप कर रहे हैं। आई मीन आई डोंट लाइक पिंक। तो कब करा आपने सेक्स चेंज ऑपरेशन? व्हाट? अगर मुझे पिंक नहीं पसंद तो मैं लड़की नहीं? ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं आप मिस्टर। अरे ऐसे कैसे मैं गलत बात कर रहा हूँ? मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आप लोग मेरे पीछे ऐसे क्यों पड़े हो जैसे कोई नूरवशी? वो कौन है, छोटा मोटा क्रिकेटर? हाँ पंत, उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसको सब समझ आ रहा है, जो रिपोर्टर्स है ना, ये औरतों की चॉइस को मारना चाहते हैं। अरे यार मैं खुद एक औरत हूँ। औरत हो तो फिर मूछें क्यों है तुम्हारी? जो आपसे आया था ना पहले रिपोर्टर, वो भी आपकी तरह से एंटी फेमिनिस्ट बातें कर रहा था। मैं सब समझ गया हूँ, एक ट्वीट के अंदर सबका पर्दाफाश कर दूंगा, सबका। हाँ कमिंग ऑन दैट, क्या किया आपने उनके साथ? कुछ नहीं किया मैंने, आई टॉक वेरी पोलाइटली। डुम 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 फ्लैशबैक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके अपनी मेल टॉक्सिसिटी फैलाने की? सर मैंने बोला ही क्या है? बोला क्या है? तुमने पूछा कि मेरे पापा कैसे हैं? हाँ तो? तो? मेरी मम्मी नहीं दिखी तुमको? मेरी मम्मी के बारे में पूछा वो कैसी है? मम्मी तो मम्मी, इस आदमी ने मेरी बहन को भी इग्नोर कर दिया, एक बार भी नजर नहीं डाली उस पर। तुम चलो अभी, चलो अभी अपनी मेरी बहन पर नजर डालो, चलो आओ, चलो 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 आओ, आप भी डालो, आओ सर सर। अरे चलिए आओ सर। पागल है क्या कुछ? ये वकूफ सा
क्यों बे मर्द, औरतों की प्रिवेसी की जरा भी वैल्यू नहीं ना तुझे? सर आप ही तो भी मतलब एक लड़की के कमरे में बिना नॉक के घुस रहा है। लड़ी मेल मर्द नर आदमी शोविनिस्ट पिग, लेट्स गो गर्ल। वेरी पोलाइटली या इसको कट कर दो। Baby, let me know. I'm the only girl in this gangster world. Sir, sir, sir. आपके competitive feminist ने एक education based company के साथ collab किया है. And his following is rising on social media. What show? Sir, what do you think about girl education? Education, irrespective of a girl or a boy, is very important. It is as essential as water and air. So, is this the reason you have partnered with Scalar.com? To promote education? Of course. Scalar.com बहुत ही सही काम कर रहा है in creating the best software engineer and data scientist. पूरी दुनिया में इनके software development program backend and frontend दोनों के development पर focus करता है. And इनके data science program में 80 से ज़्यादा case studies हैं. So what exactly is Scalar.com? Basically, Scalar.com is a online tech academy जहाँ पे working professionals को and fresh graduates को train किया जाता है by experts from the top tech companies. One-on-one personalized doubt session रखे जाते हैं for students to nurture them and learner from Scalar.com are placed in big giants like Amazon.com जहाँ average salary hike 126% तक मिला है. So you guys can calculate how big Scalar is. So do they help in cracking interview as well or just theoretical part? बिल्कुल help करते हैं interviews crack करने में. It's just the best platform to become a great software engineer. मैं बहुत ही खुश हूँ to be a part of Scalar family. साला ड्रामे बाज. Education and all. And you, what do you want? ये 2% का feminist मुझसे पहले 10 million कर ले. Go get me some good campaign like this. आ गई हमारी परम शक्ति औरत इस दुनिया के जुल्मों से लड़के. मैं सुसु करके आई हूँ. Exactly. Let's go, girl. पुसी जी, मैं आई आस्क यू हु इज शी? लेट्स गो गर्ल. ये शिमोना है. पहले स्टैंड अप कॉमेडियन थी, वहां कुछ अच्छा कर नहीं पाई तो मेरी सोशल मीडिया मैनेजर है. ओके, स्टैंड अप कॉमेडियन से सर मुझे याद आया, आजकल फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस को काफी रोस्ट किया जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उन्हें रोस्ट तो किया जाता है, पर अब ये देखो कि हमारे जमाने ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है. अभी तो सिर्फ बातों से रोस्ट करते हैं, और पहले तो माहौल काफी डार्क हो चुका है, तो चलिए इसे थोड़ा लाइट करते हैं. उसे जी, हमें पता चला है आप किसी कैंपेन पर काम कर रहे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे उस कैंपेन के बारे में? जिस कैंपेन पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम है #FreeTheNipple. वाओ, मैंने सुना है इस कैंपेन के बारे में. इट्स रियली नाइस कि आप बॉडी पॉजिटिविटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं. या थैंक यू सो मच. यू नो व्हाट, जब ये मर्द लोग अपनी शर्ट उतार के नंगे घूम सकते हैं, अपने अगले निप्पल फ्लैश कर सकते हैं, तो why not women? Why should boys have all the fun? आप मुझको बताओ, आपका निप्पल फ्लैश करने का मन कर रहा है ना अभी? What? No, I'm fine. अरे मत डरो, चलो come on, उतारो उसको और फ्लैश हो निप्पल. चलो let me make a video. चलो you can do it. Let's go girl. Flash your nipple. 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 No, stop it. क्या कर रहे हैं? बंद करिए इसे. Yeah, that's right. A woman cannot be forced for anything. They are free. You did good. Let's go, girl. Anyways, Pussy ji, औरतें इतना freely इसलिए नहीं घूम पाती क्योंकि मर्द उन्हें घूरते हैं. तो आप क्या करेंगे इसके बारे में? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? औरतों के लिए हम सारे मर्दों की आंखों पर पट्टी बांध देंगे, मुझे छोड़ के. क्यों, आप मर्द नहीं है? नहीं, मैं तो फेमिनिस्ट हूं ना. तो पुसी जी, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, एंड चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम. तो क्या कभी आपने देखा है अपने घर में या आस पड़ोस में किसी को किसी औरत पर हाथ उठाते हुए? आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस. सर, इफ यू डोंट वांट टू आंसर इट, आई कंप्लीटली अंडर. इट्स फाइन, इट्स फाइन. फुटेज भी तो लेनी है ना. सो या, मेरे पड़ोसी अंकल शर्मा, एक दिन अंकल शर्मा दारू पी के घर पे आए,
और आंटी शर्मा ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया था तो अंकल आंटी पे हाथ उठाने लगे। तो आपने उन्हें रोका? ऑफ कोर्स, मैंने उनको धक्का मारा पीछे और उनको बहुत ही कड़े शब्दों में बोला, इस तरह आप किसी औरत पे हाथ नहीं उठा सकते। फिर मैंने उन्हें एक बेल्ट दी, अब वो किसी औरत पे हाथ नहीं उठाते, सारा काम बेल्ट से हो जाता है। What the fuck यार, तुमने मुझको कहा था कि हाथ नहीं उठा सकते, ये थोड़ी बोला था कि बेल्ट नहीं उठा सकते। ऐसे ना सिलेबस में एडिशन मत किया करो यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। कट 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 कर दीजिए। सुपुसी जी, बाकी बातें हो गई, लेकिन लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्ले, कम ऑन आ जाओ। यस कम ऑन, अरे आओ ना। अरे नहीं नहीं पुसी जी नहीं, अरे आओ ना सीसो पे बैठ के सॉसी इंटरव्यू लेते हैं। लेट्स गो गर्ल, आ जाओ। अरे अरे क्या कर रही है आप, नीचे लाइए मुझे। नो, अ वुमन शुड ऑलवेज बी ऑन टॉप। नाउ आस्क व्हाट वर यू आस्किंग। देन लेट इट बी, लेट्स कंटिन्यू। सो पुसी जी, आई वांटेड टू नो अबाउट योर जर्नी, like what motivated you to become a feminist? Halat dum 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 flashback. I love you. No, I love you. I love you. I love you. I love you. Sari girls ek boys ke paas, ऐसा क्यों, आखिर मुझ में क्या कमी है? सुन। कौन बोला? तेरा वॉइस ओवर इन हाई बेस। ओ वॉइस ओवर मुझ में क्या कमी है? कुछ नहीं, तुझ में वो सब है जो उसमें है, बस तू फेमिनिस्ट नहीं है। फेमिनिस्ट तो कैसे बनूं मैं फेमिनिस्ट? उसका कोई पाउडर आता है, कोई गोली आती है उसकी? फेमिनिस्ट कोई गोली नहीं है, फेमिनिस्ट एक लाइफस्टाइल है। फेमिनिस्ट बनने के लिए सबसे पहले जो लड़की दिखे उसको जाके बोल प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल, प्राउड ऑफ यू गर्ल। आई जस्ट किल्ड माय फादर। नाम नाम सत्य है। बोल दिया, सबको बोल दिया, अब आगे क्या करना है? नाउ इट्स टाइम फॉर सम मेकओवर। क्या करना होगा मुझको? Now comes the most challenging part. से सारे मर्द कुत्ते हैं। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ ये? नहीं मेरे से नहीं होगा ये। Sir. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। सारे मर्द कुत्ते, नहीं मुझसे नहीं होगा। Sir. ठीक है, सारे मर्द कुत्ते, नहीं हो पा रहा मुझसे। सारे मर्द कुत्ते हैं। लेट्स गो गर्ल। एक सेकंड, इसका मतलब आप फेमिनिस्ट लड़कियों की अटेंशन पाने के लिए बने? Yes, I know it's a very sad story, लेकिन अब देखिए, मेरा पूरा इंस्टाग्राम लड़कियों के मैसेजों से भरा हुआ है, पूरा का पूरा। अरे अब मैसेज छोड़िए, ये देखिए डीएम में क्या क्या मिल रहा है मुझको, देखिए अच्छे से देखिए। I'm so proud. What the hell?
आप ऐसे किसी के न्यूड्स मुझे या किसी को भी नहीं दिखा सकते। These are not nudes, these are art, and every artist should see this. Don't tell me आपने और लोगों को भी दिखाया है। Just family and friends. अरे शादी का कार्ड थोड़ी है जो आप फैमिली एंड फ्रेंड्स में दिखाते फिर रहे हैं इसको। ये किसी के प्राइवेट फोटोज हैं। आप ऐसे रैंडम लोगों को नहीं दिखा सकते। अच्छा तो अकॉर्डिंग टू यू मेरे पापा मेरे कजन मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड मेरे कजन का बेस्ट फ्रेंड और उसके पापा ये सब रैंडम लोग हैं। हाँ सही में यस। गुड वॉक हो गई है। या श्योर। सो पुसी जी लेट्स मूव अहेड। पुसी के वेट होने का टाइम हो गया है। व्हाट? अरे नहाने जा रहा हूँ भाई। आप एक काम करो बाहर से क्वेश्चन पूछ लेना मैं अंदर से आंसर कर दूंगा। आई गेस इट्स फाइन फॉर यू। ओके लेट्स गो। कोयले रे बबुनिले रे बबुनिले भगवान गया घुंगरू मैं चम चम नचदी फिरां। सो पुसी जी डोंट यू थिंक हमें औरतों को ये सिखाने की बजाय कि वो लड़े हमें मर्दों को ये सिखाना चाहिए कि वो औरतों को ना दबाएं? नहीं बिल्कुल गलत सोच है आपकी। नहीं अगर मर्द औरत को दबाएगा नहीं तो फेमिनिस्ट का तो कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। मतलब यू नो फिर हम किसके लिए लड़ेंगे? आप फेमिनिज्म जैसी महान सोच को मारने की बात कर रही हैं। अरे नहीं मैं तो बात। अरे पुष्पेंद्र की मम्मी अरे चाय बना दो यार। ये देखो बोलने की देर थी कि कर दिया मर्द ने औरत को दबाना शुरू। आइए इन्हें सच्चे फेमिनिस्ट की ताकत दिखाते हैं। आइए तुम लेट्स गो। कैमरा ऑन रखना। हाँ भाई पापा। ओ सॉरी जलील मर्द क्यों मेरी माँ चाय बनाए तेरे लिए? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया तूने कि तुझे चाय लेके दी जाए? अगर सीने में इतनी आग है तो जा कूट अदरक और बना चाय सबके लिए। भगवान ने हाथ किया बस औरतों पे जुल्म करने के लिए दिए हैं। मैं तो कट करने का इशारा भी नहीं कर सकता। खुद ही कर लो प्लीज। पुसी जी यार फिक 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 अपने अगले सवाल की तरफ। छी कम लेट्स कम। ए व्हाट इज दिस शो व्हाट मार दूंगा इडियट। वाओ पुसी जी दैट वाज रियली नाइस। मुझे नहीं पता था आप साफ सफाई का इतना ज्यादा। व्हाट साफ सफाई सर? अभी आपने रोका ना उस आदमी को यूरिनेट करने से रोड पर। I stopped him because वो खड़े होकर मूत रहा था और टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था। टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था? एक सेकंड सर, टेररिज्म का खड़े होकर सूसू करने से क्या ताल्लुक? हाँ यू इग्नोरेंट फूल मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे बताओ आपने किसी औरत को देखा है जो टेररिस्ट है? नो नॉट ऑफन। एग्जैक्टली बिकॉज ये सारे आतंक का ठेका मर्दों ने उठा रखा है। और क्यों? बिकॉज इन्हें बचपन से बता दिया जाता है कि इन्हें खड़े होकर मूतना है जिनसे इनका टारगेट हिट करने का और सटीक निशाना लगाने का स्किल डेवलप हो जाता है। अगर हम बचपन से ओसामा को बता देते कि उसको बैठ कर मूतना है तो वो कभी ट्विन टावर पर सही निशाना लगा ही नहीं पाता। देन 9/11 वुड जस्ट हैव बीन डेट इन द कैलेंडर। सो यू नो व्हाट इफ यू हैव टू स्टॉप द टेररिज्म सबको औरतों की तरह बैठ कर मूतना चाहिए। लेट्स गो गर्ल। डिड यू जस्ट कंपेयर टेररिज्म विद पेशाब? या लोग मुझे जीनियस ऐसे नहीं कहते। और एक बात बताऊं खड़े होकर मूतना बस एक ही चीज के काम आता है पॉट पर चिपकी हुई टट्टी हटाने के लिए। इट्स यूजलेस। क्या भैया एक वो दे दो। वो क्या? अरे वो यार समझो ना वो लाता हूं। साले मर्दवादी सोच के जानवर सेनेटरी पैड मांग रहा हूँ। सेनेटरी पैड छी देख रहे हैं मर्दों को आप? तो भाई साहब हमारी क्या गलती? अब सूरज बढ़ जाते हैं कि पिक्चर देखने के लिए आप आज बालाजी वाले इशारे करोगे तो आदमी तो कंफ्यूज ही होगा ना। बात कर रहे हैं क्या चाहिए? कौन से वाला चाहिए मतलब आप बताओ आप कौन सा यूज करती हो? हैं
विंग विदाउट विंग जेल डबल जेल। अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जिनके लिए ले रहे हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, बेटर रहेगा। सही कह रहे हो आप। हाँ कौन सा वाला चाहिए? अच्छा ठीक है समझ गया। ठीक है ओके ओके समझ गया। ठीक है बेस्ट चॉइस। भैया एक डबल विंग दे दो एक्स्ट्रा स्लिम वाला। ये डबल विंग से क्या होता है, मतलब लड़कियां उड़ने लग जाती हैं? ये ये आपने अपने लिए लिया है? Yeah. आप इसे पहनते हैं? अभी भी पहना हुआ है, लो देख लो छेद में से। अरे सर क्या करें, मगर क्यों? Well, firstly, जैसे कि ये सैनिटरी पैड्स की ऐड होती हैं, इसमें दिखाते हैं कि इनको पहनने के बाद यू गेट ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, सो ऑब्वियसली आई आल्सो वांटेड दैट, बट यू नो अभी तो कुछ खास हुआ नहीं है, लाइक मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स भी नहीं हुए इंस्टाग्राम पे और मैं कब से पहन रहा हूँ, बट ठीक है कोई नहीं। आई बिलीव इन वुमेन अस्त्र, आई नो वन डे दिस पैड विल श्योरली वर्क, एंड सेकेंडली आई वेयर दिस टू सपोर्ट पीरियड्स। बट हाउ एग्जैक्टली आर सपोर्टिंग पीरियड्स? आई मीन सर ये तो वही बात हो गई ना कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसे सपोर्ट करने के लिए आप खुद का भी एक्सीडेंट कर लो। मैडम आप मेरी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे आई सपोर्ट पीरियड सो मच दैट माय फेवरेट टीवी शोज आर पीरियड ड्रामास। लुक लेट मी टेल यू समथिंग, आज भी गांव कूचों में मेनी वुमेन डोंट हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो उनके लिए आपने आज तक कुछ किया? ऑफ कोर्स, मेरे गांव में इतनी लड़कियां थी जो हर महीने पीरियड पेन के थ्रू गुजरती थी, आई हेल्प देम ऑल। हाउ? अरे प्रेग्नेंट कर देना मैंने सबको। व्हाट? हाँ अब सारी आजाद है 9 महीने के लिए दर से, बट लेट मी टेल यू ये बिल्कुल आसान नहीं था। पहले सबसे धीरे धीरे सबको पटाया, देन धीरे धीरे सबका कंसेंट लिया, फिर अपनी ड्यूटी निभाई, इट वॉज वेरी टफ जॉब, बट इवेंचुअली किसी ना किसी को तो करना ही था, सो वाई नॉट मी, लेट्स गो गर्ल। अबे चूते बहन के लड़ एक्सक्यूज मी क्या बोला आपने? बहन का लड़ देख रहे आप मेल मेंटेलिटी, क्यों आखिर क्यों सारी गाली माँ बहन की होती है, कोई क्यों बाप भाई की गाली नहीं बकता? आज मैं बदलाव लेके आऊंगा, सुन तेरे बाप का। अबे नहीं यार इसमें तो मजा ही नहीं आ रहा, एक काम करते गाली माँ बहन की रहने देते हैं। अबे माता क्या कह रहा था? अबे बहन के माँ की गाली देते, प्लीज कट कर दो प्लीज। आए, मेरी कमर तोड़ दी बड़ा फट। कैमोमाइल टी इट काम्स यू डाउन। या आई डेफिनेटली नीड समथिंग टू काम माई सेल्फ डाउन। चलिए पुसी जी इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी दहेज का चलन है एंड मेनी वुमेन ऑफ आवर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम दिस, तो सर आपकी क्या राय है इस पर? देखिए दहेज एक बहुत ही बुरी प्रथा है और इसको जड़ से मिटाने के लिए हम एक कैंपेन भी शुरू करने वाले हैं, वेयर वी प्रपोज के दहेज का नाम चेंज करके गिफ्ट कर दिया जाए। ये क्या सोल्यूशन निकला? अब बाबर आजम का नाम चेंज कर कोली रखने से उसकी फॉर्म गू से गुड़ तो नहीं हो जाएगी ना सर? एक सेकंड, पहले तो आप ये मर्दों के स्पोर्ट्स क्रिकेट इन सब की रेफरेंस देना बंद कीजिए। अरे हमारी औरतों के पास क्या अच्छे स्पोर्ट्स नहीं है? बारबी, घर घर, बैडमिंटन, इन सब की रेफरेंस दीजिए, सिर्फ मर्द दिखते हैं आप लोगों को। एक सेकंड सर, ये ना आप पहले मुझे मुद्दे से मत भटकाइए, मैंने जो आपसे सवाल किया है आप मुझे उसका जवाब दीजिए, मुझे दहेज का सोल्यूशन दीजिए आप। ठीक है तो सोल्यूशन ये है कि हमें अपनी लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि वो दहेज के खिलाफ कैसे आवाज उठाएं। नहीं क्या पागल लड़की, कुछ भी नहीं। अरे हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि कपड़े कैसे धोए, बर्तन अच्छे से कैसे मांजे, तो क्या है ना कि दहेज में क्या मिलता है, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ये सब मिलता है ना, तो अगर हम औरतों को सिखा दें सारे मशीनों वाले काम तो फिर दहेज का लेन देन ही बंद हो जाएगा। सो क्लीन दैट डर्ट एंड लेट्स गो गर्ल। ये क्या बकवास बातें बोले जा रहे हैं आप? आपको क्या लगता है ये हम औरतें सिर्फ घर का कामकाज करने के लिए बनी है क्या? चलिए चलिए फर्ज कर लीजिए कल को आपकी शादी हो जाए। क्या मेरी शादी होगी? तो मतलब मेरे बच्चे भी होंगे? हाँ सर शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। तो बच्चे होंगे तो इसका मतलब सेक्स भी होगा? हाँ सर कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सेक्स भी होगा। कैसे होगा सेक्स? सर जैसे होता है वैसे होगा। अच्छा तो मतलब मेरे कपड़े उतरेंगे और लड़की के भी कपड़े उतरेंगे क्या?
सर ये आप कैसी बकवास बोलो। हाँ उतार लीजिए। हाँ उतर गए कपड़े उतर गए। अब हम बिस्तरों की सिलवटों में लिपट रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, मैंने करेक्टर डिजाइन कर लिया है, आप बस थोड़ा साउंड दे दीजिए, हल्का सा ओआ की आवाज कर दीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी वो मैं थोड़ा जोन आउट हो गया था। आप प्लीज इसे कट कर दीजिए। सो पुसी जी आई वाज आस्किंग कि मान लीजिए कल को आपकी शादी हो जाती है, आपकी बीवी जॉब पर जाती है, तो क्या आप अपनी बीवी के जॉब छुड़वा कर उससे घर के कामकाज करवाएंगे? कितनी घटिया सोच है आपकी। मैं क्यों छुड़वाऊं उसकी जॉब? अगर उसकी जॉब छूट गई तो मुझको पालेगा कौन? इट्स अ हाई टाइम कि औरतें कमाएं और मर्दों को खिलाएं और मर्द घर का काम करे, राइट? नहीं वो तो औरतें ही करेंगी ना। देखिए हमको एक ऐसा दौर लेके आना है जिसके अंदर ये साले घटिया मर्द सूरों की तरह पड़े रहें, इनको थोड़ा बहुत खाना मिलता रहे, रात को थोड़ी दारू मिल जाए और औरतें दिन रात मेहनत करके इनके सारे शौक पूरे करें। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी देनी है इन साले मर्दों को? इस जिंदगी में जिल्लत मुझे थोड़ी भी नजर नहीं आ रही सर। हाय नो, आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, बिकॉज मेरी बातें सिर्फ एक सच्चे फेमिनिस्ट को ही समझ आएंगी। अच्छा तो आपके अकॉर्डिंग एक सच्चे फेमिनिस्ट का पैरामीटर क्या है, बताएंगे आप मुझे? Well, देखो सबसे पहले आपको सुंदर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्या है ना कि जो बातें हैं वो सिर्फ सुंदर लोगों की सुनाई देती हैं। कि क्या बेहुदा लॉजिक है आपका? हेलो सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे कोई कुछ बोल रहा है क्या, मुझको सुनाई नहीं दे रहा? हाँ जी सर मैं बोल रही हूँ, मैं आपको सुनाई नहीं दे रही? नो बिकॉज एज आई सेड कि बातें हैं जो सिर्फ सुंदर लोगों की सुनाई देती हैं। व्हाट डू यू मीन? डू यू मीन मैं सुंदर नहीं हूँ? Oh, when did I say that? I just meant that you are a bitch. इसको मजा आ रहा है मेरी सारी बातें डिसएग्री करने में। Oh, sorry, sorry, sir, for calling you a bitch. Because I should say you ugly fat bitch. Hence proved, chamomile tea doesn't calm you down. Let's go, girl. Pussies are beautiful. You know what? Me and my girlfriends are your biggest fans. We really appreciate how you supported the bride. Can I take a picture? Sure, of course. Hey, shoo. Okay, thank you. Bye. Bye, love you. Yeah, love you. Yeah. Shoo. You are quite famous among LGBTQ. LGBTQ? ये क्या है? कोई नया TV आया क्या? LGBTQ, lesbian, gay, bisexual. Oh, sorry. I totally support them, like totally. चलिए, कोई तो काम सही कर रहे हैं आप. हाँ, मैंने तो अपने छोटे भाई को भी बोल दिया कि तेरे को बड़ा होकर गे ही बनना पड़ेगा. गे ही बनना पड़ेगा का क्या मतलब है? कोई करियर ऑप्शन थोड़ी है कि गे बनना पड़ेगा. You are either gay or not. बनना पड़ेगा का क्या मतलब है? अरे नहीं, उसको गे बनना ही पड़ेगा. अगर वो गे नहीं बना तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि I support ऐसे people. What the fuck? What do you mean by ऐसे people? और एक बात बताओ, अगर उसने मना कर दिया तो? ऐसे कैसे? मैं गांड मार लूंगा उसकी. एक सेकंड. मैं अगर उसकी गांड मार लूंगा तब तो वो गे बन ही जाएगा ना. Fuck, Pussy, you are so smart. Yes. Is he fucking real? एक काम करो ना, तुम गे बन जाओ. अरे मैं कैसे गे बन जाऊं? मैं तो लेस्बियन हूं. What? हाँ, मुझको लड़कियाँ पसंद है. लेस्बियन वही होता है ना जिसको लड़कियाँ पसंद है, तो मैं लेस्बियन हूँ. गाड़ी रोक. अरे गाड़ी क्यों रोको? आप कहाँ जाओगी औरत हो के? गाड़ी रोक भोस के. गाड़ी रोक दो भाई साहब, गाड़ी रोक दो. मैं सपोर्ट ही कर रहा था, आप औरत हो. चलो मुस्कान. अरे औरत, ए औरत, ए ए सेकंड औरत. अरे यार मिल गई 10 मिलियन की चाबी. आजा प्रमोद मेरी वीडियो बना. हाँ भाई, तू तंग कर रहा था मैडम को,
तुमको क्या लगा ये अकेली है हमें इस औरत के साथ क्यों मैडम क्या यस लेट्स गो गर्ल मैडम घूरा था नहीं आपको तब से अरे पर भैया मैंने घूरा कब हो तो तू कह रहा है ये मैडम इतनी बदसूरत है कि तुमको घूरेगा भी नहीं मैडम आपको बदसूरत कह रहा देख लो अरे पर भाई साहब अब मुझे ये तो बता दो आप मुझे गाली घूरने पर दे रहे हो या नहीं घूरने पर अत्याचार करने पर इस मासूम स्कूटी गर्ल पर भैया आप सही कह रहे हो मुझे भी लग रहा है मुझे छेड़ रहा है पिछले 3 किलोमीटर से ना पीछे लगा हुआ है मेरे अरे मैडम रास्ता ही यही है ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि पिछले 3 किलोमीटर से आप मेरे आगे चल रहे हो क्या बता आप मुझे छेड़ना चाहते हो ए, एक औरत ऐसे गिरे हुए काम कभी नहीं कर सकती मैडम इसको बताओ आपने कभी छेड़ा किसी को अरे भैया हम तो रोज बॉयज हॉस्टल जाते हैं देखा नहीं छेड़ा औरत सिर्फ छेड़ना जानती है छेड़ना नहीं मैडम आप इसको थप्पड़ मारो यार अभी मारो अरे थप्पड़ क्यों मारो मैडम आप मारो प्रमोद क्लोज शॉट लो अच्छा लगना चाहिए मारो भैया मैं इसको अरे मारो ना यार जल्दी मारो चलो अरे क्या हो गया बहन चूटी नहीं काट ली थप्पड़ मारना थप्पड़ हेलो आवाज नहीं आ रही अरे फेलो फेमिनिस्ट आप आ जाओ आई वॉज जस्ट हेल्पिंग आवर वुमेन नो यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन और यहाँ तेरी हेल्प की किसी को जरूरत है भी नहीं जब से वहाँ गाड़ी से बैठ के देख रहा हूँ तेरी नोटंकी यहाँ माचिस बन के आग लगाई जा रहा है तू उसके बाद सोशल मीडिया पर तेरे कीबोर्ड वॉरियर उस आग के अंदर घी डाल देंगे बस फिर रातों रात फॉलोअर्स की बारिश और बन जाएगा औरतों का मसीहा अरे बट फेलो फेमिनिस्ट आप मेरी अबे क्या फेमिनिस्ट कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ मैं ये फालतू के लेबल मत लगा मेरे माथे आप फेमिनिस्ट नहीं हो तो फिर क्यों औरतों की हक की बातें करते रहते हो अबे मर्द की हक की बातें भी करता हूँ मैं वो ट्रेंड में नहीं है तो किसी को सुनाई नहीं देती इन जनरल इंसान की हक की बातें करता हूँ मैं मेरे भाई इंसान को अगर इंसान की तरीके से देखोगे जेंडर के हिसाब से नहीं तो शायद हमें ये फैंसी टर्म जिसको आजकल तुम जैसे लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए यूज करते हो उसकी हमें जरूरत ही ना पड़े रिस्पेक्टेड सरला देवी चौधरानी ने जब भारत स्त्री महामंडल के साथ एक नई सोच की शुरुआत करी थी ना कि औरतों को एक सम्मान माना जाए तो उनको 1% भी एहसास नहीं हुआ होगा कि उनकी सोच आजकल तुम जैसे लाखों लोगों के रेलेवेंट बनने का साधन बन के रह जाएगी एक लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारा तो हाहाकार मच जाता है पूरे सोशल मीडिया पर और मचना भी चाहिए बिल्कुल सही बात है ये लेकिन वहीं अगर कोई लड़की ये सेम चीज कर दे तो आ जाओगे तुम फेक फेमिनिज्म वाले अपनी दुकान चलाने चिल्लाते हुए कि मोर पावर टू यू गर्ल लेट्स गो गर्ल लड़के ने ही कुछ गलत किया होगा अरे कुछ नहीं है फेमिनिज्म फेमिनिज्म सीधा बोलो मैं ड्रामा करता हूँ तुम ही लोग चिल्लाते हो ना कि हमें औरतों को उठाना है लड़कियों को उठाना है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम सोचते हो कि औरतें मर्द जात से नीचे हैं जहाँ से उनको उठाने की जरूरत पड़ रही है इनडायरेक्टली यही बोल रहे हो तुम कि मेल पावर जिंदाबाद औरतों को उठाना है अरे कोई जरूरत नहीं है औरतों को उठाने की या उनको संभालने की खुद से बहुत कैपेबल है वो उनको बस इक्वली ट्रीट करना स्टार्ट कर दो तुम्हारे चक्कर में अगर किसी लड़की को सही में हेल्प चाहिए होती है ना तो एक लड़का 100 बार सोचता है कि उसकी हेल्प करें या ना करें कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है कहीं मैं तो नहीं फंस जाऊंगा कहीं जोमेटो डिलीवरी के बाद या सरबजीत सिंह कॉन्ट्रोवर्सी के बाद अगला नंबर हमारा तो नहीं आ जाएगा दिस इज द वर्ल्ड दैट वी आर मेकिंग द फर्स्ट पार्ट इज कि तुम जैसे लोग इस पॉइजन थॉट को ऐसे फैला रहे हो दैट इट किलिंग द वेरी एसेंस ऑफ फेमिनिज्म फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट अपलिफ्टिंग इट्स अबाउट इक्वालिटी क्या ताली क्या मार रहा है पिक्चर चल रही है इधर हरी बत्ती होगी निकल सॉरी भैया गाइस आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग पनप रहे हैं जो औरतों को अपनी सक्सेस की मात्र एक सीढ़ी समझते हैं जो बस औरतों के हित में रहने का ढोंग करते हैं आज मैं ऐसे ही घटिया इंसान की तस्वीर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ देखिए अबे क्या फेमिनिस्ट
कोई फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट न्यू है? एक लड़के ने लड़की को थप्पड़ मारा? अरे बिल्कुल सही है ये फेमिनिज्म फेमिनिज्म कुछ नहीं है, मैं ड्रामा करता हूँ। मेल पावर जिंदाबाद, औरत मर्द जात से नीचे है। दिस इज द वर्ल्ड वी आर मेकिंग। देखा नहीं काफी दिनों से, डोंट नो अब वो कहाँ है। जाहिर सी बात दोष लोगों वो को कहा है। खोजो खोजो कहाँ है वो जो दो में फंसा है, वो जो स्लोम बातें अपनी दो दो कर बताए। रो रो कर हंसा है, सो सो कर जगाए, आंखें धो धो कर छुपाए, राज सारे लोगों को जो ना बताए। रील्स एडिट करने के लिए सीखी हुई एडिटिंग आज फाइनली काम आ रही है। Let's go girl. प्लीज एक एक करके गाइस, प्लीज एक एक करके प्लीज। पुसी जी आपको अपनी जीत के बाद कैसा लग रहा है? जीत? व्हाट जीत? मैं जीतूंगा तब जब हर औरत को ऐसे घटिया आदमी की गंदी सोच से लड़ने की हिम्मत दे पाऊंगा। Let's go girl. वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली फ्रेंड जिसके साथ भी शेयर करें, सबके साथ शेयर करें। एंड गाइस मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करके जाएं। मुझे नहीं पता मिलियन, डेढ़ मिलियन, दो मिलियन जितने लाइक करवा सकते हो ना करवा दो। 24 घंटे के अंदर मिलियन से ज्यादा मुझे लाइक चाहिए, ठीक है? मेरे को नहीं पता। और कमेंट करके आप बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, आपको सबसे ज्यादा हंसी किस पे, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। तो मेक श्योर आप कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना नहीं जाना है। यहाँ लाल बटन है उस पर क्लिक करो, दबा दो, घंटा वंटा सब दबा दो और कर दो क्लिक। और गाइस अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है ना तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है स्केलर वेबसाइट का, वहां जाओ उसको देखो और फ्री का लाइव सेशन अटेंड करो। एंड गाइस ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ मुझे फॉलो लाइक कर लो। यहाँ मैं अपनी अपडेट देता रहता हूँ मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, शूट्स के BTS सब मैं बताता रहता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर आप मुझे फॉलो कर लो। तो गाइस इस बार के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।